किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लायर तकनीक से आप खरबूज व तरबूज की फसल में उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं इसका उपयोग करके। किसान भाइयों, अगर आप तरबूज और खरबूज की फसल करते हैं तो मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को रोग मुक्त, कीट मुक्त बनाने के साथ ही साथ अपने उत्पादन और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में भी बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं, ये फसल जो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये फसल श्री चंपालाल पंवार जी की है, जो कन्हार गांव डैम जिला छिंदवाड़ा तहसील परासिया थाना उमरेड मध्य प्रदेश के निवासी हैं। किसान भाइयों, इन्होंने अपने खरबूज की फसल में मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया। मैं आपको बता दूं, किसान भाई का जो अनुभव रहा है, आज 22 मई है और इस बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ओलावृष्टि भी हुई थी, खेत में नमी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण फसल में फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा थी, पौधों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और फसल पीली पड़ रही थी। उसी चीज़ कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व परेशान है, उसी के चलते भारत देश में भी बहुत सारी कंपनियाँ बंद हैं, बहुत सारी दुकानें बंद हैं और इन दुकानों के बंद होने के कारण किसान भाई को समय पर उनकी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी जो फसल में उपयोग करते हैं। इसी बीच में जब फसल ख़राब हो रही थी तो हमारे कंपनी के प्रतिनिधि जो छिंदवाड़ा ज़िला में कार्यरत हैं, श्री दीपक पवार जी ने इनको सलाह दिया कि आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करें। किसान भाई ने तुरंत अपनी फसल में स्प्रे के माध्यम से और ज़मीन के माध्यम से मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल किया। ज़मीन से पहली बार आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मल्टीप्लायर दिया, दूसरी बार आधा किलो और तीसरी बार आधा किलो, इस तरह से तीन बार मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल ज़मीन से दिया गया, एक बार उर्वरक के माध्यम से, दो बार सिंचाई के माध्यम से और इसके बाद स्प्रे के माध्यम से दो बार स्प्रे किया, जिसमें मल्टीप्लायर तकनीक में 250 ग्राम मल्टीप्लायर था, ऑयल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, नारायण अस्त 150 ml, 15 लीटर पानी के साथ में ये अपनी फसल में, लगभग ये फसल 45 दिन की थी, इस तरह से उन्होंने 10 दिन के अंदर पर दो स्प्रे किया। किसान भाइयों, ये फसल एक समय जो बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, जो किसान भाई हमारे चंपालाल पवार जी थे, इन्होंने इस फसल को पूर्ण रूप से जुताई करवा के ख़त्म करके दूसरी नई फसल लेने वाले थे, इसी फसल को दीपक पवार जी ने मल्टीप्लायर तकनीक से इस योग्य बनाया कि आज इस फसल से पहली तुड़ाई में 10 टन उत्पादन मिला। किसान भाइयों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी किसान भाई के साथ में, क्योंकि उन किसान भाई को कहना है कि वो पिछले 10 सालों से खरबूज की खेती कर रहे हैं, जिसमें उनको उत्पादन पहली तुड़ाई में 5 से 7 टन ही मिल पाता था, इससे ज़्यादा उन्हें कभी नहीं मिला, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी, इस तरह से विपरीत अवस्थाओं में भी उन्होंने 10 टन उत्पादन पहली बार लिया और वो उम्मीद करते हैं कि पूरी फसल में बड़े आराम से 25 से 27 टन उत्पादन प्रति एकड़ से ले लेंगे। किसान भाइयों, ये फसल आप देख रहे हैं, मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से फसल की ग्रोथ अच्छी हुई, फसल की पत्तियाँ हरी हो गई, फसल के जो शाखाएं हैं उनमें ज़्यादा वृद्धि हुई, फ्लावर ज़्यादा आए, फल ज़्यादा आए, फल का साइज ज़्यादा अच्छा आया, फल चमकदार आया और स्वाद भी बहुत अच्छा रहा, जिसके कारण उसको प्राइस भी ज़्यादा अच्छा मिला। किसान भाइयों, अगर हम यूरिया DAP इन सब चीज़ों की अपनी खेत में ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, तब ये हमारे खेत की मिट्टी को भी नुकसान पहुँचाता है और अपने हमारी फसल को भी नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीप्लायर तकनीक का इन्हीं खादों में अगर कोटिंग कर दिया जाए तो इनका जो नुकसान होता है वो कम से कम हो जाता है और फायदा कई गुना बढ़ जाता है। उत्पादन में आप पहली बार मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल करके कम से कम 50% का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और स्प्रे करके आप अपनी फसल में जो रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक जो होते हैं या फिर फंगिसाइड जो होते हैं, उनके खर्चों को भी बहुत कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी हमारे वीडियो के कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं। जो किसान भाई मल्टीप्लायर तकनीक मंगवाना चाहते हैं या उपयोग करना चाहते हैं, वो अपनी फसल का नाम बताएं और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें,
हम उनको शेड्यूल देंगे और वो मल्टीप्लायर तकनीक मंगवा करके अपने सभी प्रकार की फसलों में उपयोग करके अच्छे से अच्छा ऋण ले सकते हैं। किसान भाइयों, जो मल्टीप्लायर तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लीज़ दिए गए नंबर व्हाट्सएप पर आप मुझे अपनी फसल की फ़ोटो और अपने अनुभवों को शेयर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को आपके अनुभव के बारे में बता सकें। किसान भाइयों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी, प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम ज़रूर बताएं। आपको अगली कौन सी फसल की ऐसी जानकारी चाहिए जो आप जानना चाहते हैं तो मुझे वो भी बताएं, जिससे कि मैं उस फसल के बारे में भी आपको जानकारी दे सकूं। किसान भाइयों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। अगली